गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक आपने प्रश्नावली 15 प्रायिकता के जो हम प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें से सवाल प्रश्न नंबर 6 तक पढ़ चुके थे। प्रश्न नंबर 7 के साथ हम आपके पास पुनः नई वीडियो के लिए हाजिर हो रहे हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कुल विद्यार्थी 200 हैं, जिसमें से सांख्यिकीय आंकड़ों के बारे में कि सांख्यिकीय आंकड़े पसंद करने वालों के विद्यार्थी हैं वो है 135, पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी हैं 65। आपको ज्ञात करना है सांख्यिकी पसंद करने वालों की प्रायिकता और पसंद नहीं करने वालों की प्रायिकता। सांख्यिकी पसंद करने वालों की प्रायिकता बराबर सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी बटे कुल विद्यार्थी। अब सांख्यिकी पसंद करने वाले 135 बटे 200 काट दीजिए, 5 से कट रहे, देखिए 5 × 2 = 10 कितने बच गए, 3, 35, 5 × 7 = 35 कितना हुआ, 40। अब ये किसी से कट रहे नहीं कट रहा, तो हमारे पास जो आंसर आया क्या गया, 27/40। अब अगला सांख्यिकी पसंद नहीं करने वालों की प्रायिकता वही कहानी है, क्या लिखेंगे देखिए, सांख्यिकी पसंद ना करने वाले विद्यार्थी बटे कुल विद्यार्थी। अब कितने हैं, 65/200 काट दीजिए 5 से, 13/40 यही हमारा आंसर। दोबारा देख लीजिए, कुल विद्यार्थी 200, पसंद नहीं करते हैं विद्यार्थियों की संख्या 135, सॉरी पसंद करने वालों की संख्या 135, नहीं करने वालों की 65। अब पहले किसकी याद करनी है, पसंद करने वालों की प्रायिकता, तो पसंद करने वाले विद्यार्थी बटे कुल विद्यार्थी 135/200, 5 से काट दिया, कितने है, 5 × 2 = 10, 3, 5 × 27/40 नहीं करने वालों की संख्या 65, तो 65/200 फिर काट दिया, कितना आ गया, 13/40। प्रश्न नंबर अगला, यह हमारा प्रश्न कौन सा है, आटे की थैलियां थी जिस पर इसका उनको वजन किया गया, तो पहली आटे की थैली 4.97 kg, दूसरी पर 5.05, 5.08, 5.03, 5.0 पूरा 5 किलो, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 और फिर पूरा 5 किलो वजन था। इसमें आपको 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले 5 किलोग्राम से अधिक आटा
काटे वाली थैलियां की संख्या। देखिए गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह और सात। दोबारा लिख लीजिए, पांच को सदी, एक दो तीन चार पांच छह सात। ये कम है, ये पूरा पांच किलो है, ये कम है, ये पूरा पांच किलो है। यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए कितनी हट गई, एक दो तीन चार हट गई, कुल कितनी थी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। कुल थैली ग्यारह। पांच केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता बराबर पांच केजी से अधिक आटे वाली थैलियां बटे कुल थैली, यानी पांच किलो से अधिक आटे वाली कितनी थैलियां थी, सात। कुल थैली कितनी, ग्यारह। तो देखिए इनको काटने की कोशिश कीजिए, या क्या कटती है, क्या ये नहीं कटता है, इसका मतलब हमारे यही आंसर हो गए, सात बटे ग्यारह। दोबारा देख लीजिएगा, पांच किलो से अधिक, एक दो तीन तीन चार पांच छ सात, कुल ग्यारह, सात बटे ग्यारह। इसी के साथ हमारी प्रायिकता की प्रश्नावली समाप्त होती है। यदि फिर भी आपको इनमें से किसी प्रश्न में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर या हमें सूचना देकर शेष सवाल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।